बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है चेस्ट इंजरी हेल्थ फॉर सेमेस्टर के लिए। व्हाट इज चेस्ट इंजरी? चेस्ट इंजरी में भी पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग। व्हाट इज पेनिट्रेटिंग एंड व्हाट इज नॉन पेनिट्रेटिंग? क्योंकि वही जो एब्डोमिनल इंजरी में हमने पढ़ा था कि पेनिट्रेटिंग क्या है एंड नॉन पेनिट्रेटिंग क्या है। तो पेनिट्रेटिंग का मतलब ये है जो फॉर एग्जाम्पल नाइफ से हो जाए, चाकू से हो जाए, या फायर आर्म इंजरी से हो जाए, बुलेट से हो जाए, या फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कहा कि सीख से या पेंसिल से, इस तरह चीज से जो इंजरी होता है तो उसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग। तो चेस्ट इंजरी में भी पेनिट्रेटिंग या नॉन पेनिट्रेटिंग। तो पेनिट्रेटिंग का एग्जाम्पल ये है, और जो नॉन पेनिट्रेटिंग है चेस्ट इंजरी में भी नॉन पेनिट्रेटिंग। नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल बुलेट लाइक आरटीए में एक्सीडेंट में हो जाए, या फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गिर जाए, ठीक है, और चेस्ट इंजरी हो जाए, तो इस तरह इस चीज को कहते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, ठीक है। ड्यूरिंग चेस्ट इंजरी व्हाट आर मोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर में भी डैमेज। क्या होता है कि चेस्ट इंजरी में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन जो है हमारे साथ डैमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक चेस्ट केज इंक्लूडिंग रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर चेस्ट इंजरी में हमारे साथ रिब्स फ्रैक्चर होते हैं और साथ साथ में स्टर्नम, ठीक है। आगे हमारे साथ प्लूरल कैविटी जो है उसमें भी क्या होता है, इंजरी होता है, ठीक है। प्लूरल इंजरी जो है या प्लूरल कैविटी को भी नुकसान होता है, साथ में लंग्स टिश्यू को भी नुकसान होता है, हार्ट को भी होता है, और पेरिकार्डियल कैविटी एंड ग्रेट वेसल लाइक फॉर एग्जाम्पल एओर्टा। तो इस चीज को भी क्या होता है, ये हमारे साथ ये ऑर्गन है जो चेस्ट इंजरी की वजह से क्या होता है, ये डैमेज होता है, ये इसको नुकसान होता है, ठीक है। रिब्स हो गया, प्लूरल कैविटी, स्टर्नम हो गया, लंग्स टिश्यू, हार्ट, पेरिकार्डियल कैविटी एंड ग्रेट वेसल फॉर एग्जाम्पल एओर्टा। तो इसको भी क्या होता है, ये डैमेज होता है विद जिस टाइम चेस्ट इंजरी होता है। जरूरी नहीं है कि सारे जो है इंजरी हो जाए, इनमें से एक या दो हो सकता है कि वो इंजरी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ क्या है, प्रॉब्लम प्रोड्यूस, कौन सा जो है वही डैमेज की वजह से जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है हमारे साथ, रिब्स फ्रैक्चर होता है, ऑब्वियसली जब चेस्ट इंजरी होता है तो रिब्स फ्रैक्चर होगा मोस्ट। नेमोथोरिक्स होगा, नेमोथोरिक्स जो है हमारे साथ ईयर ऑन प्लूरल कैविटी, जब ईयर जो है जमा होता है प्लूरल कैविटी। एक होता है हेमोथोरक्स, हेमोथोरक्स हमारे साथ क्या है, जब ब्लड जमा हो जाए प्लूरल कैविटी में, ठीक हो गया। एक हो गया नेमोथोरिक्स, दूसरा जो है हेमोथोरक्स। हीम जो है ब्लड से आया और नेमो जो है ईयर आया इसमें, ठीक है। आगे हमारे साथ लंग्स कोलैप्स। लंग्स कोलैप्स का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल लंग्स क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, साइज में जो है वो उसका साइज कम हो जाए, ठीक है, कोलैप्स बंद हो जाए, तो ये भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि चेस्ट इंजरी हो जाए। आगे हमारे साथ ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग हमारे साथ एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल चेस्ट इंजरी वाला पेशेंट आ जाए तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ, पेशेंट शुड बी स्टेबलाइज बिफोर इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों ने सबसे पहले मरीज को क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन से पहले आप लोगों ने स्टेबल करना है। जैसे कि एब्डोमिनल इंजरी में हमने पहले पेशेंट को स्टेबल किया, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसी में भी पहले किया है आप लोगों ने, पेशेंट को स्टेबल करना है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन। चेस्ट एक्सरे करना है, ईसीजी करना है, एबीजीज करना है, सीबीसी। चेस्ट एक्सरे हम जो है रिब्स के लिए करते हैं, स्टर्नम फ्रैक्चर के लिए करते हैं, साथ में जो है निमोथोरक्स हेमोथोरक्स मालूम करते हैं, ईसीजी भी करते हैं हार्ट के लिए, एबीजीज हम मालूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लेवल किस तरह है बॉडी में, ठीक है। सीबीसी हम ब्लड मालूम करते हैं कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है, कितना जो है हमारे साथ ब्लीडिंग हुआ है, तो ये हम करते हैं। अगर कम है एचबी लेवल तो फिर हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ब्लड ग्रुपिंग है। ब्लड ग्रुपिंग इसलिए हम करते हैं कि खुदा ना खास्ता ब्लड की कमी है तो फिर हम क्या करते हैं, ब्लड अरेंज करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। आगे हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हमारे साथ ब्रीफ एंड क्विक एग्जामिनेशन है। आप लोगों ने जल्दी और ब्रीफ एग्जामिनेशन करना है चेस्ट का पूरी डिटेल से, ठीक है। आगे जो है हमारे साथ कंट्रोल ब्लीडिंग, इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, ठीक है।
पुट द पैशन लेटरल पोजीशन, पैशन को लेटरल पोजीशन पे रखना है, क्लियर एयरवे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने एयरवे को क्लियर करना है, वही एबीसी जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, एबीसी क्लियर करते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हम वो करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, क्लियर करते हैं। आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड इसलिए कि वहां पे ब्लीडिंग शुरू है, खुदा ना खास्ता बीपी कम ना हो जाए, जब बीपी कम हो जाए तो फिर क्या होगा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं आईवी फ्लूइड लगाते हैं। सर्च फॉर अंडरलाइंग डैमेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप लोगों ने देख रहे हैं कि कौन सा नुकसान हुआ है, हार्ट को नुकसान हुआ है, पेरिकार्डियम को, एबोर्टा को नुकसान हुआ है, प्लूरल कैविटी को नुकसान हुआ है, तो जो अंडरलाइंग काज है वो काज जो है आप लोगों ने मालूम करना है और इसी के मुताबिक आप लोगों ने फिर आगे जो है इलाज करना है। आईवी एंटीबायोटिक देना है, आईवी पेनकिलर देना है एंड पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने बीपी चेक करना है बार बार, साथ में आरबीएस चेक करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करना है, ठीक है, आप लोगों ने जो है मॉनिटरिंग करना है इस तरह, जैसे कि एब्डोमिनल इंजरी में आप लोगों ने पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है, इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, चेस्ट इंजरी में भी आप लोगों ने क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है पूरा जो है बीपी आरबीएस सब कुछ। थैंक यू।